बार फिर मैं आ चुका हूं आप लोग के लिए एक अपडेट वीडियो लेके, और ये अपडेट जो है ये मारुति सुजुकी की सिलेरियो फेसलिफ्ट 2021 के ऊपर होने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी का काफी टाइम से इंतजार किया जा रहा था और कोविड की वजह से इसका लॉन्च जो है वो डिले होता चला जा रहा था, बट फाइनली ये कार इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में फेस्टिव सीजन चल रहा है और इस टाइम पे ज़्यादातर लोग गाड़ियां खरीदते हैं, कुछ लोग बुक करवा देते हैं और कुछ लोग अभी तक ऑलरेडी खरीद भी चुके होंगे। तो जो लोग गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये अपडेट वीडियो है कि अगर आप लोग गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि भाई सिलेरियो इंडियन मार्केट में दोबारा से एक फेसलिफ्ट वर्जन आ जाए, और कब तक आने वाला है, क्या अपडेट्स होने वाली है उसके अंदर, क्या आपको उसके लिए इंतजार करना चाहिए या मार्केट में जो गाड़ियां अवेलेबल हैं उसके लिए चला जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में यही बताने आ चुका हूं और यही बताने वाला हूं कि भाई सिलेरियो 2021 दोबारा जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है उसके अंदर क्या नए चेंजेस होने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्या इंतजार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या प्राइस होने वाला है और कब तक ये लॉन्च होने वाली है, क्या लॉन्च डेट सामने निकलकर आ चुकी है। जानते हैं सारी डिटेल्स आज किस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग जानने वाले हैं सभी डिटेल्स मारुति सुजुकी सिलेरियो 2021 के बारे में। तो भाई फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर जो बड़ा चेंज होता है वही वो चेहरे के अंदर ही होता है, यानी उसके कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाते हैं, क्या उसमें लुक्स चेंज हो चुके हैं, क्या चेसिस चेंज हुआ है, किस बॉडी वर्क होने वाला है, क्या नया शेप मिलने वाला है, क्या नई लाइट्स मिलने वाली है, जो भी नया चेंज होने वाला है, जो भी इमेजेस सामने निकल कर आ चुकी हैं इंडिया में, स्पाई शॉट्स जो सिलेरियो के देखे गए हैं, आइए मैं आपको इसके लुक्स के अंदर वो चेंजेस दिखाता हूं जो इसके अंदर किए जा चुके हैं। तो अब जहां तक इसके डिजाइन एंड लुक्स की बात है कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो देखिए पुराना वाला जो सिलेरियो का डिजाइन था वो काफी डेटेड लगता था, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लगने लगा था, क्योंकि काफी टाइम जो सिलेरियो आ रही है इंडियन मार्केट में वो एक ही टेस्ट में हो चुकी थी, एक ही डिजाइन में आ रही थी, उसमें अंदर बड़ा चेंज काफी टाइम से नहीं किया गया था। लेकिन अब ये जो नई सिलेरियो होने वाली है इसके अंदर काफी बड़े चेंज देखे जा रहे हैं, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जो इसकी इमेज है उसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये नई सिलेरियो जो है इसका लुक पूरी तरीके से बदल चुका है, जो काफी हद तक फ्रंट से स्विफ्ट की तरह दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं आपको इसमें बलिनों की भी झलक मिल ही जाएगी। तो सिलेरियो का सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि इसका जो प्लेटफॉर्म होने वाला है, इसका चैसी जो होने वाला है वो भी एक नया चैसी है मारुति का, और ये वही चैसी होने वाला है जो स्विफ्ट और बलिनों में यूज किया जाता है ऑलरेडी, और उम्मीद है कि अब ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस बनाया जाएगा, थोड़ा सा टेंसाइल इसके अंदर स्टील यूज करी जाएगी जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि जैसा आप लोगों ने देखा है कि अभी हाल फिलहाल ही बलेनों का क्रैश टेस्ट किया गया है लैटिन एनकैप टेस्ट में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे तो मैंने जानते ही होंगे कि मैंने वहां पर स्टोरी भी डाली थी इसको लेकर। तो अभी आप लोग जानते हैं कि भाई बलेनों का जो क्रैश रेटिंग आई है वो जीरो की रेटिंग आई है, तो अब मारुति की पर सेफ्टी का सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या मारुति की गाड़ियों के अंदर सेफ्टी नहीं होती, खाली लो मेंटेनेंस और माइलेज के नाम पर क्या गाड़ियों को बेचा जाता है। तो ये सारी बातें हो रही हैं, उम्मीद है कि इसका जो प्लेटफॉर्म होगा तो पहले के मुकाबले ज्यादा सेफर होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जिससे लोगों को सेफ्टी और लो मेंटेनेंस के साथ साथ उनको सेफ्टी भी मिल पाएगी। बाकी इसके डिजाइन एंड चेसी के अलावा ये भी लग रहा है कि इसके अंदर जो इमेजेस देखी जा रही हैं, जो इसके स्पाई शॉट सामने आए हैं उसके अंदर, इसके अंदर एलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, जिससे अब ये पता चल रहा है कि आपको सिलेरियो के अंदर एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, जिनका कलर जो होने वाला है वो ग्रेइश या फिर ब्लैक होने वाला है, जिससे ये कार जो है थोड़ी सी और मॉडर्न बन जाएगी, क्योंकि इसका जो डिजाइन था वो काफी पुराना लगने लगा था और यंगस्टर्स को कम अट्रैक्ट करती थी ये कार। बट अब उम्मीद है कि इस कार को, ये बजट सेगमेंट की कार है, ये हैचबैक है, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना दिया जाएगा, जिससे यंगस्टर जो है इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह दिखाई है मारुति की अपकमिंग सिलेरियो, लेकिन अब लुक्स मुझे चेंज किए ही जाने थे, क्योंकि एक भाई आप फेसलिफ्ट मॉडल है तो लुक्स तो चेंज होंगे, वरना फिर फेसलिफ्ट चेंज कैसा, तो इसलिए लुक्स तो चेंज होंगे जो आप लोगों ने देख लिए, लेकिन क्या इसके इंजन में भी कोई चेंज होने वाला है या आपको वही पुराना इंजन मिलने वाला है जो पुराने वाले सिलेरियो में दिया जाता था, और आइए देखते हैं क्या परफॉर्मेंस वाइज इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो अब अगर मैं इंजन की बात करता हूं कि भाई इस नए सिलेरियो के अंदर कौन सा इंजन दिया जाने वाला है, तो आपको पहले बता देता हूं कि भाई पुरानी वाली सिलेरियो के अंदर जो मार्केट में अभी आ रही है उसके अंदर आपको 1 लीटर वाला K10B सीरीज का इंजन दिया जाता था, लेकिन इस अपकमिंग सिलेरियो के अंदर, नई वाली सिलेरियो के अंदर आपको एक नया सीरीज का इंजन दिया जाने वाला है, जो कि 1 लीटर का ही होगा, बट उसकी जो सीरीज होगी वो K10C सीरीज की नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल वाला इंजन होने वाला है, और इस इंजन रिप्लेस करने से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसके अंदर आपको पहले से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, मतलब माइलेज जो है वो और बेहतर मिल सकता है, जिसकी आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं और अगर माइलेज अच्छा दे जाए कोई गाड़ी तो फिर
पैसा वसूल हो जाता है। इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके अंदर जो नई सीरीज का इंजन होने वाला है वो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको दे देगा। और अगर मैं बात करता हूं कि भाई क्या इसके अंदर कोई और इंजन की आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो इसके अंदर ये कहा जा रहा था कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि उसके अंदर कोई इंजन आएगा 1.2 लीटर वाला, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ओवरसीज मार्केट में सिलारियो के अंदर आपको K10C सीरीज वाला ही 1 लीटर वाला इंजन दिया जाता है, जो अब इंडिया में आने जा रहा है। कोई भी 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन नहीं दिया जाता है, इसलिए उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि इसमें खाली दो इंजन दिए जाएंगे, बल्कि इसमें खाली सिंगल आपको इंजन ऑप्शन मिलने वाला है। सिलारियों के अंदर जो आने वाली है उसके अंदर आपको 1 लीटर वाला यानी 998 सीसी वाला इंजन दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको K10C सीरीज का इंजन मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ कि भाई कौन सा ट्रांसमिशन दिया जाएगा यानी गियर बॉक्स आपको कौन सा मिलने वाला है, तो पुरानी वाले सिलारियों की तरह ही इसके अंदर भी आपको मैनुअल और AMT का 5 स्पीड वाला AMT का ट्रांसमिशन दिया जाने वाला है। और आप में से कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे नई सिलारियों का, जिसके अंदर आपको कंपनी फिटेड CNG का ऑप्शन दिया जाए। अब ये चीज़ कन्फर्म तो नहीं करी गई है, ऑफिशियल कोई अपडेट तो नहीं आया है कि भाई CNG आने वाला है इस नए मॉडल के अंदर, बट अब पुराने वाले सिलारियों के अंदर कंपनी फिटेड CNG आपको ही है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके अंदर लॉन्च हो रही या फिर कुछ टाइम बाद आपको CNG का ऑप्शन दिया ही जाएगा, क्योंकि ये तो आज के जमाने में काफी मस्ट हो चुका है। तो अब उम्मीद तो लगाई जा रही है कि परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी, इंजन जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा। लेकिन क्या अब इसके फीचर्स में भी कोई चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि भाई आजकल फीचर्स का मेनिया चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि आजकल सभी लोगों को फीचर चाहिए, और ये एक बजट सेगमेंट वाली हैचबैक कार है, तो इसके अंदर क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और क्या इंटीरियर्स के अंदर चेंजेस होने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। तो जहां तक अभी सिलारियों के इंटीरियर्स एंड फीचर्स की बात है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इसके अंदर आपको जो डैशबोर्ड मिलने वाला है, जो पूरा इंटीरियर मिलने वाला है, वो काफी हद तक चेंज कर दिया जाएगा। और डैशबोर्ड तो इवन आपको पूरा नया दिया जाने वाला है, क्योंकि सिलारियों के काफी सारे स्पाई शॉट भी सामने आ चुके हैं, और उसके मुकाबले उसको देखते हुए इसके अंदर जो है काफी सारे चेंजेस किए जाने वाले हैं इसके इंटीरियर्स के अंदर और इसके डैशबोर्ड के अंदर। और जहां तक इसके फीचर्स की बात है, जो अभी तक अपडेट सामने आ चुकी है, उसके अंदर यह पता चल रहा है कि इसके अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कंपैटिबिलिटी भी मिल जाएगी, जो कि एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होने वाला है। तो अब सारी बातें हो गई कि भाई लुक्स के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंटीरियर्स के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, और इंजन के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अब जानते हैं मुद्दे की बात कि क्या प्राइस हो सकता है, किस प्राइस पर आने वाली है ये अपकमिंग सिलेरियो, आइए उसको भी जान लेते हैं कि भाई क्या एक्सपेक्टेड प्राइस रखा जाने वाला है। तो अगर मैं प्राइस की बात करता हूं, तो भाई देखिए करंट सिलेरियो जो है वो आपको 4.66 लाख रुपीज से इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो रही है, और इसका जो टॉप मॉडल आता है अभी मार्केट में वो आपको 6 लाख के आसपास एक्स शोरूम पड़ जाता है। लेकिन हम उम्मीद करी जा रहे हैं कि इस जो नया मॉडल होने वाला है ये आपको तकरीबन 4,75,000 से स्टार्ट हो सकता है, यानी 4.75 लाख रुपीज से स्टार्ट हो सकता है। और वहीं जो इसका टॉप मॉडल का एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है वो 6.50 लाख एक्स शोरूम दिल्ली होने वाला है। और ये भी अपडेट सामने निकल कर आ रही है नई सिलारियों को लेकर के, इसकी जो बुकिंग है वो अनऑफिशियली डीलर्स ने स्टार्ट भी कर दी है, जिसके लिए आपको 5,000 से 11,000 रुपए का रिफंडेबल टोकन अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा, और आप ये नई सिलारियों जो है अपने लिए बुक भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफी आइडिया हो गया होगा कि भाई सिलारियों कितने की आने वाली है, क्या बजट होने वाला है, क्या प्राइस होने वाला है इसका, जिससे अगर आप लोग अपना बजट बनाना चाहते हैं, गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं तो बजट तो बनाना पड़ेगा, तो उससे अगर आप लोगों को आइडिया चाहिए कि कितने की आने वाली है कार, आप लोगों को काफी आइडिया मिल गया होगा उम्मीद करता हूं। लेकिन अब मैं आता हूं सीधा मुद्दे पर कि भैया गाड़ी आने कब वाली है, बजट तो बन जाएगा लेकिन गाड़ी कब आने वाली है, क्या मंथ होने वाला है, क्या अगर डेट आ चुकी है तो कौन सी डेट बताई जा रही है, आइए मैं आपको वो सारी चीजें भी बता देता हूं जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल है। तो देखिए अभी तक काफी सारी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी कि सिलेरियो मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी, लेकिन काफी टाइम से ये सारी एक्सपेक्टेशंस गलत हो चुकी हैं, क्योंकि सिलेरियो जो है वो टाइम पे नहीं लॉन्च हो पाई, क्योंकि एक वजह थी कोविड की वजह से प्रोडक्शन रुक चुका था, काफी सारी चीजें शॉर्टेज हो चुकी थी, इसलिए लॉन्च डिले होता चला जा रहा था। और साथ ही साथ मार्केट के अंदर आप लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लंबी वेटिंग पीरियड भी चल रहा है, और काफी सारी गाड़ियां जो है वो लॉन्च जो है उनका डिले होता चला जा रहा है। उसी की वजह थी मारुति सुजुकी की नई जनरेशन वाली सिलेरियो और ये डिले होती चली जा रही थी। लेकिन अब एक कंफर्म डेट सामने निकल कर आ चुकी है, जो कि लोकल डीलर्स भी यही कह रहे हैं कि वो इस दिन गाड़ी लॉन्च होने वाली है और इसी महीने के अंदर गाड़ी लॉन्च होने वाली है। और अगर मैं एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बताऊं कि भाई गाड़ी कब तक लॉन्च होने वाली है, इस पर कंपनी की मोहर तो नहीं लगी है, कंपनी ने अभी प्रेस रिलीज नहीं बताई है कि 10 तारीख को गाड़ी लॉन्च होने वाली है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं कि काफी सारे मीडिया हाउसेस ने डिस्क्लोज कर दिया है, और लोकल डीलर्स से भी मैंने बात करी है, उनका भी यही कहना है कि जो उन्होंने बुकिंग स्टार्ट कर दी है उनका यही कहना है कि गाड़ी जो है
10 नवंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। और अभी तक यही एक्सपेक्टेशन सामने आ चुकी है कि भाई गाड़ी 10 तारीख को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप लोग गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं तो आप धन भी बना लीजिए, क्योंकि ये गाड़ी 10 तारीख को लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो जाकर इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, अगर आपकी डीलरशिप ने बुकिंग स्टार्ट कर दी है, वरना आप लोग 10 तारीख तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अब फाइनली नई जनरेशन सिलेरियो इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। तो देख लिया आप लोगों ने कि भाई कब तक लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में ये मारुति की सिलेरियो। लेकिन देखने में गाड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है, जो भी मैंने आपको स्पॉट्स दिखाए हैं, जो भी अभी तक इमेज सामने निकल के आ चुकी हैं, उस पर आपको गाड़ी कैसी लग रही है, क्या आप लोग सिलेरियो के फैन हैं? क्योंकि इस गाड़ियों के तो काफ़ी ज़्यादा फैन बेस है मारुति की गाड़ियों का, और सिलेरियो का काफ़ी टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी अच्छी है और माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, नोन है उस चीज़ के लिए। तो क्या आप लोग सिलेरियो के लिए इंतजार कर रहे थे, या फिर आप लोग के लिए कोई और गाड़ी इससे बेहतर है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और आप लोगों को गाड़ी का लुक कैसा लगा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है, कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं, वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है, वहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो एक बटन दबा के लाइक भी कर दीजिए। और आप लोग ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर मोटोनॉमिक्स 1 को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और मुझे अगर पर्सनली फॉलो भी करना चाहते हैं तो Faraz23 पर जाके इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कहीं भी जाके आप मोटोनॉमिक्स 1 डालकर या फिर Faraz23 डालकर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोटोनॉमिक्स को एक बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड वाला बटन जो है सब्सक्राइब का, साथ में बेल आइकन दिया है दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। उससे होगा ये कि जब आप मेरी वीडियो आएगी, वीडियो अपलोड होगी, तो उससे आप लोग को नोटिफिकेशन हो जाएगी और इससे आप लोग की कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं होगी और उससे आप लोग को अपडेट मिल जाएगी। और अगर आप लोग इसी तरीके का और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आप लोग और भी लोगों को और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा सकें। बस आज की इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं। मिलता हूं मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हाई।